आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो लोग बैठे हुए हैं इनके जरिए और भी लोगों के जरिए इंशाल्लाह वक्फ की जायदादों की हिफाजत होगी। के अक्सर जो है बीजेपी गवर्नमेंट जो है हमारे को हर मसले में जो है सिखा रही कि तुम कैसा करना चाहिए कि इंशाल्लाह 19 तारीख के दिन आप लोग ये जमा होना है, जमेंगे ना इंशाल्लाह। और तमाम मसाजिद के जिम्मेदार, आज जो इतना रखा गया है ये मुस्लिम बसरना की हिदायत पर और गुलबर्गा कुल जमाती इतिहाद के तरफ से एक प्रोग्राम जो आने वाले 19 तारीख को हुकूमत ग्राउंड में इंशाल्लाह बाद मगरिब जो है शुरू होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा तशरीफ लाए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो है मुस्लिम बसरना के जिम्मेदार भी आ रहे हैं और बड़े जो है हाईकोर्ट के वकील भी आ रहे हैं। जो ये कानून जो वक्फ बिल जो कानून बन रहा है इसके ताल्लुक से हम सबको वहाँ एहतजाज करना है और वहाँ जो है कैपेसिटी जो है उसकी ग्राउंड की बहुत कम है, मगर मैं समझता हूँ कि लोग अगर वहाँ ज्यादा से ज्यादा आकर अगर हाजिरी देकर कम से कम एक दो घंटे तीन घंटे वहां रुककर अगर जाएंगे तो मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जाएगा। जैसे अभी हम अपने जिम्मेदारों से बात सुन रहे थे, मेरे जहन में भी एक बात है, जैसे कोई हमारे मुकर्रिरीन से कहा कि अक्सर जो है बीजेपी गवर्नमेंट जो है हमारे को हर मसले में जो है सिखा रही कि तुम कैसा करना चाहिए। जैसा अभी जागीरदार साहब ने कहा कि कोई जो है वक्फ बोर्ड का हो या किसका पुरसाने हाल नहीं है, मगर मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो लोग बैठे हुए हैं इनके जरिए और भी लोगों के जरिए इंशाल्लाह वक्फ की जायदादों की हिफाजत होगी, ये अल्लाह से उम्मीद है। क्योंकि ऐसे असरात दिख रहे हैं, लोगों इंटरेस्ट नहीं लेते थे वक्फ वक्फ के बारे में, इंटरेस्ट नहीं लेते थे, खाली ये बोलते थे वक्फ के वो फला जो है मुतल्ली है उनकी जिम्मेदारी है, मगर ये तमाम मुसलमानों का जो है मसला है, इसमें आना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं अक्सर जो है थोड़े वर्कशॉप अटेंड करता हूँ, हैदराबाद में एक वर्कशॉप अटेंड करा, वो बात बोलकर बात खत्म करता हूँ। तो वर्कशॉप में जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी थे और जो है वकीलों भी थे सुप्रीम कोर्ट के और हाईकोर्ट के हैदराबाद में। उस वर्कशॉप में जो है ये वक्फ बिल लाने से एक साल पहले वो एनआरसी खत्म हो रहा था, वो मीटिंग रखे थे और उस टाइम इशारा किए थे उन्होंने कि आने वाले दिनों में वक्फ बिल पे जो है बड़ा काम होने वाला है। तो उनका जो प्लान है जो है मदारिस को जो है पूरे आसाम में देखिए आप पूरे जो है बंद कराया गया, मदारिस में जो है दूसरी तालीम जो है गैर इस्लामी तालीम को जो है नाफिज किया गया और जो है काफ़ी चीज़ें उनके जो है अंडर में, और मस्जिदें जो है वो मस्जिद तक नहीं आ सकते, वो मस्जिद में एक ही जो है दीन का काम हो सकता है और हमारे इस्लाम की जो बका है इसके अंदर मस्जिदों में मकतब शुरू करेंगे, उनका पैगाम था। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग जो है आज यहाँ जो हम लोग सब बैठे हुए हैं ये हैबत में है कि वक्फ बिल है क्या, अच्छा है क्या 44 पॉइंट जो है वो आज हम सुनने के लिए आए थे, 44 पॉइंट है क्या कि जो मुसलमानों के लिए क्या परेशानी की बात है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह 19 तारीख के दिन आप लोग ये जमा होना है, जमा कर जमा जमेंगे ना इंशाल्लाह, भाई आवाज में दम नहीं दिख रहा इंशाल्लाह। मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला हमारे बैठने को कबूल फरमाए।